उसके नीचे बिल्कुल यहाँ से लेके नीचे तक पट्टी बड़ी हड्डी अलग दिख रही उसमें हड्डी बिल्कुल अलग होगी। और लड़की की सांसें चल रही थी अभी? लड़की की सांसें चल रही थी। तो नाम पता चला है लड़की का कुछ? लड़की का नाम नहीं पता अभी। नहीं दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज़। दोस्तों, नमस्ते चौक के नज़दीक एक बड़ा हादसा बताया जा रहा है और बताया जाता है कि एक लड़की जो है उसके ऊपर जो है बता रहे हैं कि ट्रक जो है चढ़ जाता है और बता रहे हैं कि लड़की जो है उसकी जो टांग है एक बुरे तरीके से जो ख़त्म हो चुकी है। और इस समय आप देख सकते हैं लोगों ने रास्ता भी यहां पर जाम कर दिया है। लेकिन हादसा कैसे हुआ पूरा? जी जी, कैसे हुआ पूरा हादसा? ये हादसा है वो डंपर के साथ। अच्छा, लड़की का ये सारी घटना, ये सारा मलिकड़ आया उसका बच्ची का। कितनी उम्र है लड़की? लड़की कम से कम होगी 18 साल की, 24 साल की होगी। हालत सीरियस है। पैदल जा रही थी या किसी चीज पर थी? स्कूटी पर? बाइक पर थी? स्कूट पर थी? दोनों बहन भाई थे, दो जने थे। ये हादसा पूरा कैसे हुआ? कहाँ से कहाँ जा रही थी वो? इधर तो पता ना, इधर था जहर थी, ड्यूटी तो आई थी भाई। वो एक्टिवा पर थी? उस पर थी, बाइक पर थी, पता ना एक्टिवा पर थी। हाँ, तीन अरे ले वो डंपर ने टक्कर मारी भाई, वो लड़की की टांग पूरी खत्म होगी। अच्छा, ऊपर चढ़ गया पूरा? हाँ, वो इसकी टांग खत्म। बस हम तो इतना अपने घर तक निकल का अब हमने के हमने तो ड्राइवर रुका, हाँ, ड्राइवर तो भाग गया दिखा। ड्राइवर मौके से भाग गया? हाँ, पकड़ लिया था। हाँ, पुलिस ले गई उसको। लड़की कहाँ से? यहाँ से जा रही थी सीधा अंदर? नहीं, इधर से आ रही थी लड़की। अच्छा, बाहर आ रही थी। और जो ट्रक चालक था वो कहाँ से आ रहा था? वो भी इधर से आ रहा था। ट्रक वो भी इधर से? हाँ, यहीं से आ रहा था। यहीं से आ रहा था सर। ठीक है। और वो ना जैसे उन्होंने टक्कर मारी ना, ब्रेक मारी नहीं, नशे की हालत में था। अच्छा, नशे की हालत में बहुत दूर तक घसीटता हुआ ले गया। जैसे हमने बाजे सुनी चीखे मारी तो हम तुरंत नीचे आए इकट्ठे हुए, यहाँ पर जाम लगाया। कि यहाँ पर साधन बहुत स्पीड चलता, कोई ब्रेक नहीं मारता। अच्छा, अब जाए यहाँ सारे भारी वाहन यहीं से, सारे वाहन यहीं जा जाते हैं। और ब्रेक करके लिए मैंने कई बार बोला हमने, पर लगाते नहीं है, कोई स्पीड ब्रेक लगाता। ब्रेकर बना दो नुका लगे, वहाँ जाओ भिवानी चंडीगढ़ सी कहाँ के वहाँ सी जाओ। हम सारा दिन वहाँ पेड़ के नीचे पड़े रहे लेकिन किसी ने कोई सुनाई नहीं करी। तो आप भी वो लड़की के परिवार से ही हैं? नहीं भाई, हम तो यहाँ के ही बंदे हैं। हाँ, हम तो आसपास के ही बंदे हैं। आसपास से ही? हाँ। और वो जो बड़ा डंपर है वो कहाँ पर है अभी? पुलिस लेगी भैया उसको तो। ले गई? हाँ, लेगी उसको तो। उस व्यक्ति को भी ले गई है? बस उस व्यक्ति को तो हमने बैरन नहीं, लेकिन उसने डंपर ना पुलिस लेगी। एक ही जना था उसमें? अच्छा, एक ड्राइवर था। एक ही जना था? हाँ, उसको लेके चली गई है पुलिस। और क्या व्यक्ति की कैसी हालत थी? क्या उसने कोई नशा नुशा कर रखा था? कोई नशा नहीं था। नशा कोई नहीं है? ब्रेक नहीं लगाई उसने? हाँ, ब्रेक नहीं लगाई। पीछे से तेज आ रहा था? नहीं, आराम से आ रहा था। आराम से? तो फिर हुआ कैसे हादसा पूरा? वहाँ गारा था, गारे में स्लिप हो गई गड्डी या कुछ हुआ तो स्लिप किसकी हुई है गाड़ी? उसी की, बाइक वाले की। अच्छा, बाइक तो आगे बाइक कोई उसका मतलब घर के कोई व्यक्ति चला रहा था बाइक? ये तो हम क्या नहीं सकते, घर के थे लेकिन कंपनी के थे वो। कितनी देर पहले हादसा हुआ है? आधा घंटा पहले होगा। आधा घंटा। लड़की की टांग बिल्कुल? हाँ, ये टूट के अलग हो गई है। अलग हो गई मतलब पूरा अलग हो गई है, मतलब अलग हो गया पूरा। टायर ही अगले टायर के नीचे? अगले टायर के नीचे बिल्कुल पट्टी बड़ी, उसके नीचे बिल्कुल यहाँ से लेके नीचे तक पट्टी बड़ी, हड्डी अलग दिख रही उसमें, हड्डी बिल्कुल अलग होगी। और लड़की की सांसें चल रही थी अभी? लड़की की सांसें चल रही थी। तो नाम पता चला है लड़की का कुछ? लड़की का नाम नहीं पता अभी। नहीं पता चला? तो कंपनी की ड्रेस पहन रखी थी कोई? वो ऐसे ही फॉर्मल, मतलब ऐसे ही कपड़ों में थे, फॉर्मल कपड़े थे। किसी जॉब से आ रही थी? जॉब से आ रही थी। जॉब से आ रही थी। तो आप देख सकते हैं अभी कुछ देर पहले यहीं पर जो है वो हादसा होता है। और किस लोकेशन पर हुआ था हादसा? पीछे 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 कहाँ से हुआ? तो आपको बता दें जिस लोकेशन पर यह हादसा हुआ है अभी लोगों ने यहाँ पर जो है रास्ता भी बंद किया हुआ है, वो भी हम उनसे बातचीत करेंगे। देख सकते हैं उन्होंने यहाँ पर थ्री व्हीलर और अन्य वाहन लगाकर इस रास्ते को बंद कर दिया है। अभी पीछे एक बार देख लेते हैं जिस लोकेशन पर ये पूरा का पूरा जो हादसा हुआ है और बहुत ही दर्दनाक हादसा है। बता रहे लड़की ने फॉर्मल कपड़े डाले थे तो कहीं जॉब से वो आ रही थी, किसी ना किसी ऑफिशियल वर्क से वो अपने घर की ओर जो है वो जा रही थी और यहाँ पर जो है ये हादसा हुआ है। और ये देख सकते हैं ये वो पॉइंट है जहाँ पर लड़की की जो बता रहे हैं जो लेग है वो बिल्कुल आकर
नीचे आ जाती हो और चकना चूर जो है वो लग हो चुकी है, लड़की की जो लात है बुरे तरीके से जो है उसमें दब जाती है ट्रक से। ट्रक को फिलहाल ले जाया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। अभी फिलहाल ये रास्ता बंद किया हुआ है, क्या कुछ अभी लोग कह रहे हैं, क्या कुछ रास्ता भी यहाँ जी ब्रेकर बनना चाहिए, यहाँ से गाड़ी आती है कम से कम 70-80 कोई भी एकदम से बाइक लेकर निकला वो तो भैन जटा के चला जाएगा, इसलिए ब्रेकर बनना चाहिए। पहले ब्रेकर थे, अब यहाँ जो ब्रेकर हटा दिया, यहाँ कुछ भी नहीं है, ब्रेकर दूर लग गई भी नहीं है, ब्रेकर कई बार बोल रहे हैं उनको बनाए नहीं है ब्रेकर, जब होना चाहिए। हाँ, तो सारे ट्रक जाते हैं, क्यों छोटे छोटे बच्चे हैं सड़क पार भी करते हैं, इधर भी जाते हैं, ट्रैफिक इतनी है हद से ज्यादा, और गाड़ी वाला कोई भी गाड़ी वाला नहीं है जो आराम से चलाएगा, भाई कॉलोनी है, कॉलोनी के बाद चल आराम से चलाएगा। ट्रक वाले बिल्कुल फास्ट, ट्रक वाले हो गए, कार वाले हो गए, मोटरसाइकिल वाले सारे फास्ट चलाते हैं, दुकानें हैं यहाँ। हाँ जी हाँ जी, आप देख सकते हैं अभी लोगों का भी यहाँ पर जो है गुस्सा फूट कर आ रहा है, आसपास के लोगों का, जो कि उन्होंने रास्ता बंद किया है कि यहाँ पर जो है स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, लेकिन जो वो लड़की है उसकी हालत बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं जो है बता रहे गंभीर थी, और फिलहाल उसकी सांसें चल रही थी जैसा कि हमने बातचीत करी है। मौके पर अभी पुलिस भी आई है, क्योंकि डायलेक्ट 112 की टीम भी पहुंची है, उनसे भी हम बातचीत ज़रूर करेंगे, क्योंकि रास्ता भी फिलहाल बंद कर दिया गया है, लेकिन बहुत ही गंभीर हादसा हुआ है और लड़की की हालत कैसी है ये भी हम आपको IBN 24 के ज़रिए ज़रूर बताएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि देख सकते हैं मौके पर जो है पुलिस प्रशासन से यहाँ पर पहुँचे हैं, डायलेक्ट 112 की टीम पहुँची और रास्ते को फिलहाल बंद किया गया है। आप देख सकते हैं इस समय महासिंह जी पहुँचे, उनसे जानकारी लेंगे। जैसे हमने पता लगा भाई एक्सीडेंट हो गया, हमने ना एम्बुलेंस की बाट देखी ना कुछ, थोड़ी उस गुड़िया को उठाया और जान बच गई उसकी, हम हॉस्पिटल में छोड़ गए, हम बाट नहीं देखते किसी की, बीच हमारी गाड़ी तो सोचते कुछ हो, हमने उसकी जान बचा दी। सर जब हमारी मांग पूरी करो तो हमारे हमारी क्या, हाँ बोलो क्या, चलो कोई नहीं, सुनो ये जैसे मीडिया के साथ है आप भेज दी है, अरे हम भी कहेंगे भाई हम ब्रेकर हैं, ठीक है ठीक है जी ठीक है। मौके पर पहुंचे थे, आए हैं, रास्ता बंद हुआ हुआ, क्या कुछ कर रहे हैं? एक स्पीड में था जी ट्रक, हमने देखा नहीं है, ठीक है स्पीड में था। हाँ वो तो हमने तो एक्सीडेंट ही देखा, पता लगा भाई एक्सीडेंट हो रहा, हमने ज्योति लड़की को उठाया और उसको हॉस्पिटल में ले गया, ज्योति नाम था, और वो जॉब से आ रही थी लड़की, क्या करती है, कोई जॉब करती है प्राइवेट में, उसको फौरी हॉस्पिटल में ले गए और उसकी जान बच गई। कितनी उम्र है? उम्र तो मेरे ख्याल बता रहे हैं टांग पूरी कुछ नहीं गई है। नहीं 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 कुछ ऐसा नहीं है चंडी। कितनी चोट आई होगी लगभग? हाँ इंजरी कितनी हुई है? बस हल्की चोटें हैं, बच जाएगी उसे, जान बच गई उसकी है। चल पाएगी लड़की? हाँ चल पाएगी, ज्यादा चल पाएगी, चल पाएगी, इंजरी ज्यादा हुई है, वो तो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, बच गई उसकी जान, बच गई। और साथ में कोई चला भी रहे हैं उनके परिवार के कोई? हाँ पहुँच गया, उसका भाई पहुँच गया मौके पे। अच्छा भाई चला रहा था? नहीं नहीं उसके ऑफिस से थे, चालक ने शराब पी रखी थी क्या? ना 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 उसका कुछ नहीं, वो तो डॉक्टर बताएगा ना। चालक को भी साथ में अभी ले गए थाने में, ले गए ले गए ले गए थाने में, से लेकर गए अभी सिटी थाने में, सिटी थाने में जी। हाँ जी रेत से भरा होता था? नहीं ये नहीं देखा हमने, तो उसको लड़की को उठा कर ना हम तो फौरी ले गए, हमने नहीं पता क्या था क्या नहीं। तो यहाँ पर जो लोगों की मांग है ब्रेकर होना चाहिए, अब रास्ता भी बंद किया हुआ है लोगों ने, अधिकारियों से बात करेंगे, उसको जल्दी बनवा देंगे जैसे भी। फिलहाल आप देख सकते हैं महासिंह जी हैं, उनसे हमारी बात हुई है और यहाँ पर देख सकते हैं लोगों को भी समझा बुझा रहे हैं, क्योंकि रास्ता यहाँ बंद कर दिया गया है लोगों द्वारा, और इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ स्पीड ब्रेकर नहीं है, और यहाँ लोग कह रहे हैं कि स्पीड ब्रेकर होना चाहिए। और अभी जो लड़की जिसका नाम ज्योति बताया जा रहा है, और वो जॉब से आ रही थी, साथ में कलीग था जो कि बाइक चला रहा था, और अभी आधा घंटा पहले यह हादसा हुआ है। अभी जो पुलिस द्वारा जो है लोगों को समझाया जा रहा है और रास्ते को फिलहाल क्लियर करवाने की बात यहाँ की जा रही है। अभी पुलिस द्वारा यह कहा गया है कि लड़की जो है वो अपने पांव पर चल पाएगी, लेकिन लोगों द्वारा जो बात ऑन कैमरा कही गई है उसमें आपने ये बात जरूर सुनी है कि लोगों ने बताया कि लड़की की टांग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन IBN 24 के जरिए आपको ये ज़रूर बताएंगे कि लड़की की हालत कैसी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हादसे कभी भी हो सकते हैं, आप अपने वाहन को ध्यान से चलाएँ, चाहे बड़े वाहन पर है या छोटे पर, लेकिन यहाँ पर लगातार हादसे तो हो रहे हैं, लेकिन इसमें लापरवाही एक ज़रूर है कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर नहीं है, और वाकई में ही स्पीड ब्रेकर होना चाहिए। जहाँ पर बड़े वाहन आते हैं
चाहिए, वहाँ पर स्पीड ब्रेकर वाकई में ही होना चाहिए, छोटे भी हो तो भी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप सभी से अपील, वीडियो को शेयर करें। रास्ता आप देख सकते हैं ब्रह्मानंद चौक की तरफ जाता है, जो कि नई सब्जी मंडी की ओर निकलता है, और पीछे नमस्ते चौक का ये रास्ता है। और बता दें सारे भारी वाहनों को आवाजाही के लिए ये रास्ता जो है निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ से नई अनाज मंडी की ओर भी रास्ता जाता है। आप सभी से निवेदन, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। उम्मीद करते हैं लड़की स्वस्थ होगी, लड़की ठीक होगी, लेकिन आईबीएन 24 पर इसका अपडेट ज़रूर देंगे आपको। धन्यवाद।